भाई नमस्कार प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में ठीक है और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी बच्चा बोल रहा है मेरे से तो सभी को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ठीक है और कल आपकी क्लासेस नहीं हुई थी आपको पता है और कल मैंने ऑफ कर दिया था ठीक है कारण क्या था लाइट नहीं आ रही थी ये तो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, है? लाइट वाइट सब सही थी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत क्या हुई थी कि हमारे बगल में ही जो पड़ोसी थे उनमें से किसी की डेथ हो गई थी मतलब खुदकुशी कर ली ट्रेन के आगे आ गए काम ख़त्म ड्रिंक व्रिंक करते थे अब ड्रिंक के नशे में थे या फिर क्या था पता नहीं हमें पता नहीं चल रहा लेकिन वही है कि खास पड़ोसी यार अपने जस्ट बिल्कुल बगल में लगभग पंद्रह बीस साल से वो हमारे साथ रह रहे हैं पंद्रह बीस साल तो फिर उस चक्कर में मैंने देखा यार कोई मतलब नहीं है फिर आपको है काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं और वो ट्रेन के नीचे आके मरे थे अगर किसी ने देखो दो अखबार है उसके अंदर पढ़ा हो किसी ने तो ठीक है अभी कल ही की बात है तो फिर उनको लेने गए बहुत सारे प्रोसेस शाम को आठ नौ बजे तक फ्री हुए थे लास्ट लास्ट हाँ बिल्कुल इसलिए फिर क्लास नहीं हो पाई थी हालांकि वही बात है ना बोलना अच्छा नहीं लगेगा ना जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन में डालूँ कि भाई किसी की डेथ हो गई और इसलिए क्लास आपकी नहीं हुई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे यार कि क्या हुआ सर क्या किसको क्या तो इससे बढ़िया तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, है कि लाइट नहीं आ रही तो डाल दो नोटिफिकेशन ठीक है बच्चे कहेंगे क्या बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते ना बच्चे तो कुछ नहीं कहेंगे ठीक है चलो भाई कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं अब जितना हमसे बना यार कि देखो क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में सबसे बेस्ट यही है कि फैमिली वालों के पास गए अब जाके देखो ना दे सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं बताओ बैठे वहाँ पे उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनसे मिले बैठे थोड़ा समझाया भी समझाने तो खैर क्या ही है वहाँ पे क्या समझाने का है लेकिन तो जाने से क्या है थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है घर वालों को भी तो बस बैठे रहे वहाँ पे और करने को क्या है तो ये काम था इसलिए अब देखो अब ये इसका कोई पता थोड़ी था ये तो अचानक हुई ही ये घटना और इसलिए अब यही कहेंगे अब देखो इस घटना से मैं तो यही बात सीखता हूँ कि ड्रिंक जो है ना शराब शराब की बात कर रहा हूँ मैं बहुत ख़राब है यार बहुत ज़्यादा ख़राब घर में कुछ कमी नहीं है मतलब जैसे मान लो सपोज करो सुसाइड करने का कुछ कारण होता है सुसाइड करने के पीछे कुछ कारण तो है ना कि जैसे भाई आप पैसों का कर्जा है या फिर कोई डिप्रेशन वाली बात है कुछ भी है कुछ भी नहीं है सब कुछ सेट है मामला घर में ट्रैक्टर टैंकर सब कुछ है मतलब घर बढ़िया है कोई दिक्कत ही नहीं है खुद बढ़िया काम कर रहा है लेकिन अब पीछे फैमिली जो है उसकी तरफ़ देखना और फिर नहीं देखना सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पीछे हम क्या छोड़ के जा रहे हैं क्या नहीं छोड़ के जा रहे हैं तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है अब वो तो गए लेकिन पीछे जो घर बार छोड़ के चले गए उसका क्या बताओ अब फैमिली बर्बाद ही मान लो तो क्या है उसके अंदर कौन है करने वाला तो इसलिए मैं तो यही राय दूंगा बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं देखो एज ही ऐसी है ना यार हटियर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो ड्रिंक करते होंगे स्मोकिंग करते हैं ड्रिंक करते हैं शौक है उनका करने का अब शौक है यार अब देखो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा लेकिन छोटी सलाह यही है कि ना करो तो अच्छा है ना तो इससे मेरा भविष्य ख़राब होगा ना किसी दूसरे का किसी का भी नहीं होगा ठीक है आपका ही होगा अब आप ये बात अभी समझ जाओ तो अच्छी बात है नहीं तो फिर पच्चीस तीस चालीस पैंतालीस साल की जब समय आपको सुधारेगा तब तो सुधारेगा सुधारेगा ठीक है चलो भैया कोई बात नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि टेक्निकल टीम में अभी मैंने बात करी थी और मैंने देखा कि केवल मात्र दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ठीक है और बाकी किसी ने भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए किसी ने भी वो तो ग्रुप में पता है आपको भाई किसने बनाए थे किसी ने नहीं बनाए वो तो, तो आपको पता है नाम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं ना तो कोई बात नहीं ठीक है तो आप मेरे पास कॉल भी मत कर देना कि सर ये डाउट है मेरे का इसको मैं सोल्व भाई देखो आपने जो पेमेंट किया है ना ठीक है उसके हिसाब से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत अच्छी बात क्लासेज आपके पास आ रही हैं बस काफ़ी है वो आपने अगर मेरे पास कुछ कॉल भी कर लिया मैसेज भी कर लिया कि सर डाउट है मुझे पूछना है मैं अवेलेबल नहीं हूँ उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा अलग से ठीक है दस हज़ार रुपये आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको डाउट पूछना है तो लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं दो चार बच्चे हैं दो चार से नहीं दो तीन नहीं है वो मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं डाउट ठीक है doubt, उनके लिए फ्री है बाकी डाउट पूछने के लिए तो लाइव क्लास है सबसे बड़ी बात तो जो बच्चे लाइव लेते हैं जो पढ़ रहे हैं बढ़िया तो उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप लाइव क्लास में रहो क्योंकि देखो अब मैं आपको क्लियर सी बात बता दूँ कि अपने पास बच्चों की कम्युनिटी ज़्यादा हो चुकी है बढ़ चुकी है तो इसलिए मैंने टेक्निकल टीम टे, को हायर किया है कारण क्या है ये तो कारण है तो इसलिए उसको मैंने बुलाया थोड़ा बिठाया समझाया कि यार आप मेरे पार नहीं पढ़ रही यहाँ पर आपको संभालना पड़ेगा तो वो संभाल रही है बढ़िया टीम तो वो ये ना कि अब वो मेरे से बातचीत नहीं करवा सकते ना मेरा खुद का पर्सनल नंबर है एक अब वही नंबर मैं यूज़ करता हूँ जिसपे कोई दो चार नंबरों को दो चार जनों को पता है वो नंबर बाकी किसी को नहीं पता इसलिए मैं फ्री रहता हूँ इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कॉल पे मैसेज पे डाउट्स ना पूछ के लाइव क्लास ज्वाइन करो और जो भी आपको डाउट आता है आज की क्लास ली आपने ठीक है अब कल जैसे मैं पढ़ाने आऊँगा आप कुछ डाउट रहेगा तो पूछो कि सर मेरे को तो कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताएंगे उसको कहाँ पे डाउट है क्या नहीं है कुछ भी आपके मन में कुछ भी आ रहा हो एनी कुछ भी ठीक है चलो तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं भैया चलो ठीक है मोहित कह रहे हैं कि सर मैं पीडीएफ अपलोडेड हो रही है और शॉर्ट नोट्स किस ग्रुप में भेजने ग्रुप में नहीं व्हाट्सअप नंबर भेज दो ना क्या दिक्कत है जो एट थ्री वाले नंबर हैं जो चल रहे हैं ना ये यहाँ पे पट्टी पे इस नंबर पे भेज दो यही आपका ग्रुप है मान लो एक तरीके से बस सेल्फ मैसेज भेज दो क्या दिक्कत है ग्रुप में भेजने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चलो भैया तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग अब जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं बड़े तरीके से इन्जॉय करेंगे आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं चलो देखो भाई हम यहाँ पे यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट जिसका नाम क्या है जिसका नाम है ग्रुप सर्दी बहुत तेज़ हो चुकी है भैया बहुत ज़्यादा तेज़ लहर चलने वाली है मान लो और शीत लहर छोड़ो आप एक छोटी सी बताऊँ आपको मैं अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ व्यूज़ देखते होंगे तो थोड़ा बहुत पता होगा कोरोना इज़ बैक कोरोना वापस आ रहा है और ईमानदारी साथ कह रहा हूँ मैं आपको ईमानदारी के साथ में अगर कोई अच्छी तरीके से डेप्थ में न्यूज़ देखता होगा ना तो मैं आपको बता दूँ कि वो पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ था ना कुछ भी नहीं हुआ था हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि गाँव में जो बच्चे रह रहे थे उनको तो पता भी नहीं चला कि कोरोना भी आया था क्योंकि बड़े तो मस्त खेलते थे लॉकडाउन के अंदर कुछ फ़र्क नहीं था कि भाई कोरोना आया भी था नहीं आया था लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ इस बार जो बच्चे सिटी में रह रहे हैं ना हालांकि लॉकडाउन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा इस बार लेकिन इस बार सीरियस मामला है सीरियस मामला यह है ना कि भाई वायरस तो सबके हो गया था आपको पता है कि कोरोना जो वायरस हुआ था ना वो सबके हो गया पूरे इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस पहुंच चुका है अब जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो तो हरा दिया कोरोना को ठीक है और जो नहीं हरा पाए वो पहुंच गए तो वही कह रहा हूं आपसे वो कोरोना वायरस सही तरीके से मरा नहीं आपके शरीर में वो वही है मेरे शरीर में भी आपके शरीर में भी है वो तो सावधानियां बरतिए सर्दी का टाइम है तो वो तो जुकाम उकाम कुछ भी लगाना तो समझ लो कि वो कोरोना ही है क्योंकि तो आप जांच कराने जाओगे उस शरीर में तो आपके पहले भी था अभी भी है वो जो आपने वैक्सीन लगवाई थी ना उससे नहीं मरा हो और वो क्या है कि कुछ साइकिल के बाद थोड़ा सा और विकराल रूप ले लेता है जैसे चीन विन में मामला चल रहा है अभी तो वो यहाँ पर भी होगा क्योंकि जहाँ पर वो फैला था ना वो उसकी रेंज को दोबारा विकसित करेगा भैया और अपने मुंबई में इनमें धीरे धीरे दे देखना दे 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 आप थोड़ा दिन रुक जाओ अभी अभी जनवरी के बाद से देखना जनवरी के एंड तक पूरे इंडिया में ना खतरनाक केस आएंगे उसके और इस बार रिज़ल्ट और भी खतरनाक है आप देख रहे होंगे ना ऐसी बात नहीं है वो तो न्यूज़ यूज़ तो थो। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि भाई गाँव की तरफ पलायन करो आप तो ये अच्छा है गाँव में हो तो गाँव में रहो सिटी विटी में जाने की जरूरत तो नहीं है और बढ़िया गाँव में बैठ के मस्त खाओ पियो मस्त रहो ये वह बात है सिंपल सी बात है ठीक है चलो तो यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था याद करो एक छोटा सा टॉपिक था मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा देखो ठीक है क्योंकि यही आपकी फरमाइश थी देखो आपने कहा कि सर हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अवयव की कोटी अवयव की कोटी ठीक है इसे कहते हैं अपन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट किसी भी अवयव की कोटि अब मैंने देखो साहब आपको एक फॉर्मूला बता दिया था कि ए की पावर एन बराबर में ई अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया वो मेरे पास में भैया हमने एग्जांपल भी लिया था आपको पता हो तो कि ए की पावर एन बराबर में ई तो कोई भी एलिमेंट है उसकी पावर में एन का मान यहाँ पे अब एन का मान जो है वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हो तो एक ही पावर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कुछ भी करने के बाद अगर मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है घबराना मत आप क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक तो वन भी होता है एक जीरो भी होता है ठीक है मेरे पास डोट प्रोडक्ट के लिए वन होता है और प्लस के लिए मेरे पास में जीरो होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए उसका चाहे जीरो बने चाहे वन बने वो डिपेंड करता है फिर उसके ऊपर ठीक है बात क्लियर चलो तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है अवयव की कोटे का ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट का ठीक है एक छोटा सा नोट लिख लेना आप एक मिनट रुको मुझे बुक निकालने देख बार एल की छोटे छोटे नोट्स हैं जो कि आपको लिखवाने पड़ेंगे हालांकि आपके नोट्स की पीडीएफ में लिखे हुए ऐसी कोई बात नहीं है आपको ज्यादा मेहनत वेहनत करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है भैया। ठीक है थीके? आप तो बैठे रहो आराम से मस्त रहो ठीक है एक छोटा सा नोट था आपने पढ़ा भी होगा उसको नोट ये है आपने नहीं लिखा है तो उसको आराम से लिखो और समझो देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन ये कंडीशन कब होती है ये कंडीशन तब होती है जब हम कहते हैं कि भाई एक ही पावर एन बराबर में ई e. अगर एक ही पावर एन बराबर में ई e होता है तो हम यही तो कहते हैं कि इस ए का जो ऑर्डर होगा जो कोटी होगी वो एन ही होगी बात बिल्कुल सही है पहला नोट दूसरा दूसरा अगर सपोज करो मेरे पास में ये ए की पावर एन बराबर में ई e है तो मैं यहां पर एक बात लिखूंगा देखो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना मतलब आपका जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एन के बराबर भी हो सकता है या फिर ये मान के चलो कि एन के बराबर तो होगा ही होगा लेकिन एन से कभी भी बड़ा नहीं होगा ठीक है एन हमेशा ही बड़ा होगा तो इस चिन्ह का ध्यान रखना क्योंकि अभी हम कुछ थ्योरम से क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे तो नोट तो आपके सामने पहले भी लिखा हुआ था नोट्स के अंदर तो वो आपने पढ़ा भी होगा लेकिन थोड़ा मैंने लिखवा दिया है तो आपने फोकस करा होगा इस चीज के ऊपर तो वो आपके लिए थोड़ा सा और भी अच्छा फायदेमंद वाली बातें हो गई है ठीक है चलो कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगी इस बात पे फोकस करना हालांकि दोनों बातें सेम ही लिखी हुई हैं देखो अगर ये हम कब लिखेंगे जब वो दिया हुआ होगा और ये अगर मेरे पास में है तो ये लिख देंगे बस तो दोनों बातें लिखी तो सेम गई हैं लेकिन एल में देखो आसान कुछ भी नहीं है यहाँ पे कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ होता ही होता है नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा ठीक है अब यहां पे हम ऐड कर देते हैं हमारा एग्जाम्पल था उसको कर लेते हैं एग्जाम्पल क्या था आपको पता है यदि मेरे पास में एग्जाम्पल देखो भैया ध्यान से यदि मेरे पास में g इज इक्वल टू वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लो ठीक है तो यहां पर आपको प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है फाइंड the, the, the every एलिमेंट ठीक है एवरी एलिमेंट की आपको यहां पे ऑर्डर निकालना है कोटी निकालनी है ठीक है अब आपको पता है फॉर्मूला आपकी जेब में है ठीक है जब चाहो जब निकाल लो और वापस रख देना फॉर्मूले को जेब के अंदर अब फॉर्मूला लिख दो तो पहले तो विनो दैट नो दैट हम जानते हैं अब ये क्या जानते हैं ए की पावर ई e बराबर तगड़ा फॉर्मूला बना दिया मैंने तो ए की पावर एन बराबर में ई e. इसका मतलब क्या होता है भैया ऑर्डर ऑफ ए इजक्वल टू एन समझ जाएंगे भैया आराम से अब आपको पता है यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं तो भैया पहला एलिमेंट तो यही कहता है कि भैया मेरी पावर तो वन कर दो आप ठीक है मैं तो वन बन जाऊंगा अब साफ सी बात है यहां पर एक बात ध्यान रखना ठीक है एक बात ध्यान रखना कि मेरे पास जो ऑपरेशन दिया गया है ना यहाँ पे ऑपरेशन वो डोट है लिख लेना है वह तो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा ऐसी कोई बात ही नहीं है तो डोट के लिए ये कन्फर्म हो गया ई का मान वन ही आएगा टू तो परसेंट तो वन की पावर वन करा तो मैंने ये मेरे पास वन आ गया कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ वन जो है मेरे पास में वो वन ही है क्लियर सेकंड देखो भैया सेकंड मेरे पास में आता है आपका डब्लू अब आप देखो डब्लू की पावर अगर मैं वन करूंगा तो मुझे W ही मिलेगा इसका मतलब W की पावर वन पे तो मामला बैठा नहीं डब्लू की पावर मैंने टू करा तो डब्लू की पावर टू डब्लू की पावर टू मेरे पास हो गया डब्लू की पावर मैंने यहाँ पे तीन किया तो W की पावर तीन का मान होता है वन इसका मतलब मामला सेट हो गया कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ W इज इक्वल टू थ्री क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा बोल दो डब्लू बोल दो डब्लू की पावर तीन की वैल्यू वन होती है या ओमेगा की पावर तीन इज इक्वल टू वन ठीक है दो पॉइंट हो गए क्लियर लिखने की भी आवश्यकता है क्या इसके अंदर कुछ नहीं है लिखना चाहो तो लिख लेना ठीक है अब इसमें हमारे पास में तीसरा एलिमेंट और है तीसरा एलिमेंट कौन सा है पता है ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर हमने वन करी तो ओमेगा स्क्वायर ही आया यहां पे ओमेगा की पावर हमने करा दो ये देखो तो यहाँ पे हो गया मेरे पास में ओमेगा की पावर चार ओमेगा की पावर चार को तोड़ के लिख सकते हैं अपन ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर वन ओमेगा की पावर तीन का मान होता है वन लेकिन वन मल्टीप्लाई में ओमेगा तो फिर भी मेरे पास में लास्ट में जाके वन तो नहीं बना है फिर ओमेगा के स्क्वायर की पावर तीन कर दी ओमेगा की पावर छः इसको मैंने तोड़ा ओमेगा की पावर तीन मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर तीन वन मल्टीप्लाई में वन बराबर वन तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू हेरी क्लियर है क्लियर कहीं पर कोई डाउट होगा ही नहीं मेरे हिसाब से डाउट नाम की कोई शब्द कोई चीज नहीं है हमारी डिस्कनरी में डाउट नाम का कोई चीज नहीं है सर ऐसे पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है ठीक है सर कोरोना मार्च के बाद बढ़ेगा ना पिछली बार की तरह शायद देखो मार्च की तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन जिस प्रकार की कंडीशन चल रही है ना उसके हिसाब से मैं तो मानता हूँ कि भैया थोड़ा सावधान रहना क्योंकि मजाक नहीं है ये कई बच्चों को लग रहा होगा कि हमारी एग्जाम डिले हो जाएंगी और हमें बेनिफिट मिल जाएगा आपकी एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं रोके जाएंगी इस बार ठीक है लेकिन जिसको हो गया ना बार उसकी हालत ख़राब हो जाएगी ये मान के चलो आप क्योंकि कोरोना का मतलब ये है कि जो भी अपना नॉर्मल होता है ना अपना खांसी जुकाम दर्द डेंगू फेंगू सब उनका सबका मिक्सर हो जाएगा आपको और उसका कोई इलाज भी नहीं है डॉक्टर मना कर देगा भैया मैं तो नहीं करूँगा इसका इलाज इसलिए थोड़ा सा क्या है कि बैठे रहो करके अंदर और बस वही है ठीक है ऐसे भी कह रहे हैं कि सर इस तरह पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है ठीक है मज़ा तो फिर अब आपको देखो पढ़ाई में मज़ा बिल्कुल नहीं लेना पढ़ाई में सीरियस रहो ठीक है पढ़ाई में मज़ा बिल्कुल भी मत लो मस्त है ठीक है चलो कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से तो कहीं पर किसी को कोई समस्या नहीं है हर एक का जवाब आपको मिल चुका है एकदम क्लियर किसी को उतारना है तो उतार भी सकता है और अगर नहीं उतारना है तो अच्छी बात है जय श्री श्याम राधे राधे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर कोई समस्या नक्को ठीक है चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि गुरुजी अब आगे चलते हैं कुछ सवाल और कर देते हैं देखो एक आध एक सवाल और है कि मेरे पास में क्वेश्चन है आराम से लिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखो भगा मतलब वो भगने की आदत मेरी थी अब वो आपने छुड़वा दी तो मैं आराम से लिखूंगा देखो सवाल मैं मोबाइल में देख लेता हूँ ना यार बढ़िया तो एफ टाइट एल्जेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट हाँ भाई अब एक क्वेश्चन देखो आराम से लिखते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यदि मेरे पास में एक जी है और उस जी का जो मान है वो आपको दे रखा है वन नहीं नहीं, नहीं ये नहीं है वो जी का जो मान है वो आपको दे रखा है भैया पूरे को मिटा दो इसको और g का मान दे रखा है इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री और फोर और आपको ऑपरेशन दे रखा है मोड्यूल फाइव ऑपरेशन तो यहां पे ये यह लिख रखा है कि ग्रुप ग्रुप अब प्रत्येक अवयव की कोटि याद करो प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करो कोटि ज्ञात करो फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड ऑर्डर ऑफ एज एलिमेंट हमें प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है ठीक है अब कैसे निकालेंगे भैया कोटि कोटि निकालने का फॉर्मूला सबको पता है तो यहां पर लिखता हूं मैं बिल्कुल प्रॉपर आंसर मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैं तो बिल्कुल आराम आराम से लिखवा रहा हूं नो दैट मैं जानता हूं वी नो दैट मैं जानता हूं हम क्या जानते हैं भैया हम जानते हैं हम क्या जानते हैं भैया सुन्न ध्यान से एक की पावर एन बराबर में ई एक की पावर एन बराबर में ई कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की पावर करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए मेरा सिंपल सा एक छोटा सा सवाल है कि मॉड्यूल प्लस के लिए e का मान कितना होगा अब मॉड्यूल हो चाहे कुछ भी हो लेकिन प्लस के लिए हमेशा एलिमेंट जीरो ही आता है तो भैया इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना ये बात बिल्कुल ठीक है ठीक है चलो अब यहां पे अब आगे चलते हैं भैया पहली बात तो सवाल देखो एक बार सवाल में कोई समस्या है क्या सवाल पढ़ो सवाल को थोड़ा देखो ध्यान से और आपने मॉड्यूल के बारे में सुना था पीछे मैंने करवाया भी था चाहे डोट मॉड्यूल हो चाहे प्लस मॉड्यूल हो कोई सा मॉड्यूल हो जो आपकी इच्छा हो ठीक है लेकिन मतलब पता होना चाहिए उसका कि मॉड्यूल निकालते कैसे थे मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फोर मॉड्यूल थ्री मॉड्यूल सिक्स प्लस मॉड्यूल सिक्स क्या मतलब इनका मैं बताऊंगा नहीं नहीं बताऊंगा पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो अभी के अभी कॉपी खोलिए और पीछे जाके देखिए हाउ कैन फाइंड मॉड्यूल प्लस फाइव प्लस फोर प्लस सिक्स रटिएगा मत रटने की कोई आवश्यकता नहीं है वो तो आपको पता होगा कि हम कैसे निकाल देते ठीक है और इतना पता चला आपको कि यहाँ पर आइडेंटी एलिमेंट जो होगा वो ई बराबर मेरे पास में जीरो होगा इसका तो आपको शायद पता चल गया होगा ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है चलो तो मैं आगे भैया कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो आगे चलते हैं भैया ठीक है तो इसको मैं ऊपर करता हूं भैया चलो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से मैं प्रॉपर आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ भैया तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि हमारे पास जी के अंदर कितने एलिमेंट थे जीरो वन टू थ्री और फोर अब देखो जीरो जो एलिमेंट है मेरा फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो इस जीरो के लिए प्लस मॉड्यूल में कुछ भी करो मतलब कहने का मतलब ये है ठीक है कि यहाँ पे जीरो मेरे पास में है इसकी पावर वन करो या फिर आपके पास कुछ भी कर दो ठीक है लेकिन मेरे पास में जीरो मॉड्यूल जीरो मेरे पास में जीरो ही आने वाला है तो यहाँ पर मेरे पास में ऑर्डर ऑफ जीरो कितना आएगा भैया ऑर्डर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन ठीक है वो तो सिंपल सी बात है कि यहां पर कैसा भी मामला बैठा लो मामला जीरो ही आने वाला है उसके बाद सेकेंड नंबर पर देखिए भैया कि मैं यहां पर वन के लिए कैसे निकालू देखना वन की पावर वन मेरे पास में है ठीक है तो मैंने क्या करा भैया वन की पावर वन करा तो एक बात बताओ जैसे कि मेरे पास है वन और मॉड्यूल फाइव मेरे पास में है तो एक बात वन में जब मैं पांच का भाग लगाऊंगा तो कितना शेषफल बचेगा एक ही बचेगा अरे भाई कोई दिक्कत किसी को है क्या कोई कमेंट कर दो भैया है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है भाई अब देखो छोटी सी बात है किसी को नहीं पता है ना तो बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है सबकी आदत खराब है किसी को पता है कि नहीं है मुझे पता नहीं है देखो भाई मॉड्यूल फाइव है ना इसका मतलब क्या होता है पता है कोई भी दो एलिमेंट ले लो जैसे मैंने ले लिया थ्री और मॉड्यूल फाइव मेरे पास में और सिक्स ले लो यहाँ पे तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे छः और तीन नौ और नौ में लगाओ पांच का भाग कितना है यार पाँच एकम पाँच सेषफ फल कितना बचा चार जो रिमाइंडर है ना आपका सेषफ फल वो ही आपका आंसर होता है मॉड्यूल के अंदर अब दो चार बच्चों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दिया मैंने रिवीजन करवा दिया ताकि मेरे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए ठीक है चलो तो यहां पे अब इससे बढ़िया तो कर क्या बताऊंगा मैं चलो अब यहां पे वन की पावर मैंने करा टू वन की पावर टू का मतलब यहां पर यह होगा कि वन मॉड्यूल फाइव और वन अब साफ सी बात है वन और वन टू और जब पांच का भाग लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है शेषफल रहेगा मेरे पास में टू ही रहेगा ठीक है।, है वन की पावर तीन करी तो वन मॉड्यूल फाइव वन मॉड्यूल फाइव और प्लस ये मेरे पास में यहाँ पे कर दो अपने पास में वन कितना आ गया मेरे पास में तीन आपका वापस रिमाइंडर बच गया यहां पे फिर वन की पावर चार तो वन 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 और वन बीच में लगा दो मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फाइव और मॉड्यूल फाइव ठीक है अब थोड़ा सा मैं और आगे चला एक की पावर करी मैंने पांच एक दो तीन चार और पांच मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फाइव मैंने पहले जोड़ा पांच और पांच में पांच का भाग दिया कितनी बार गया एक बार शेष पर कितना बचा जीरो और जीरो ही मुझे लेना था ये आपको आ गया जीरो कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू फाइव एक की पावर पांच करने के बाद मैंने यहाँ पे एक की पावर पांच करी और ऑपरेशन का ध्यान रखना ऑपरेशन है यहाँ पे मोड्यूल फाइव तो मॉड्यूल फाइव के हिसाब से मैंने एक की पावर करी पांच और एक की पावर मैंने पांच करी तो मेरे पास जीरो आया है देख लो आप तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक के लिए जो ऑर्डर होगा वो होगा मेरे पास में पांच कैसे हुआ है वो आपके सामने है मैं तो देखो कुछ बोल भी नहीं रहा मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ आराम से मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता आपके सामने खैर ठीक है चलो वहाँ आगे लिख लिया होगा वैसे तो और नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो यार क्या फ़र्क पड़ता है चलो ठीक है अब सुनना ध्यान से अब यहाँ पे इसी के अंदर बात, बात करता हूँ अपना तीसरा जो एलिमेंट था टू मेरे पास में टू की पार वन करा मैंने तो टू की पार वन मेरे पास में तो देखो टू मोड्यूल फाइव कर लो तो मेरे पास तो वो तो वही टू का टू ही आएगा टू की पावर टू कर लो दो और प्लस पाँच दो चार मेरे पास में तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका चार ठीक है यहां पे, फिर उसके आगे यहाँ पे दो की पावर तीन कर लो तो दो, दो और दो प्लस 5, प्लस पाँच अब गलती से यहाँ पे छः मत लिख देना क्योंकि दो दो चार दो छः छः में पाँच का भाग लगाया रिमाइंडर बचा एक ये मत कर देना गलती से है ना दो की पावर चार करी तो एक दो तीन चार मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फाइव मॉड्यूल फाइव दो दो चार दो छः दो आठ आठ में पाँच का भाग लगाया सेसपल बचा तीन दो की पावर पाँच ठीक है तो कितना हो गया एक दो तीन चार और पांच मॉड्यूल फाइव फाइव तो यहां पे अपना सेज आ गया जीरो क्यों क्योंकि यहां पे कितना है दस और दस में मैं पांच का भाग लगाऊंगा पान धोनी दस सेज बचा जीरो इसका मतलब है कि यहां पर ऑर्डर ऑफ टू ऑर्डर ऑफ टू इज इक्वल टू फाइव ठीक है अब आपको बताए नोट्स के अंदर भी तीन की और चार की पावर नहीं करी हुई ठीक है वो आपका काम रहेगा एच डब्ल्यू एच डब्लू करो भैया कि भाई तीन की मैं कितनी पावर कर दूं अब देखो यार क्लियर सी बात है अंधा भी बता देगा कि तीन की पावर देखो अब एक करोगे ठीक है दो करोगे तो तीन और तीन 6 तीन करोगे पांच बार करना पड़ेगा इसकी पावर भी पांच ही आएगी क्योंकि तीन पंच पंद्रह और तीन पंच पंद्रह और पांच का भाग लगाओगे तो पंद्रह तीन की पावर पाँच और वही यहाँ पे यानी कि ऑर्डर ऑफ थ्री बराबर भी कितना आएगा पांच ही आएगा और ऑर्डर ऑफ फोर वो भी पांच ही आएगा क्यों क्योंकि पाँच होगा बीस ठीक है कर लेना आपकी इच्छा हो तो बाकी तो यहीं तक करके छोड़ दो वो तो बात बराबर ही है ना करो करो क्योंकि फालतू मेहनत करने से तो कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं कि फालतू तो जो मेहनत है उसको करने से तो कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं फालतू तो क्यों करें मेहनत हम बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया क्योंकि सेल जो है ना कभी भी ख़त्म हो सकता है तो आप मुझे बता देना कि भाई सेल ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है तो मैं डाउट भी देख लेता हूँ आपके डाउट तो खैर इसमें है ही नहीं सर्दी बहुत ही ज्यादा तेज पड़ रही है यार क्या कर सकता हूं मैं भी परेशान में मैं भी भैया हाँ भाई कर लिया चलो हो भी गया है कोई दिक्कत नो है आराम आराम चलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल हो पढ़ा होगा आपने ये सुना भी होगा कबीर दास जी के दोहे हैं तो सब जगह प्रसिद्ध हैं आ जाओ भाई आराम से अगली थ्योरम हमारे लिखेंगे थ्योरम इतनी खतरनाक है ना मैं क्या कह रहा हूं जिंदगी में आप इसका आंसर नहीं कर सकते जिंदगी में भी एक बार बिना पढ़े दो कभी भी नहीं कर सकते थ्योरम सुनो थ्योरम प्रमेय, ठीक है थ्योरम को लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि की ग्रुप के सिद्ध कीजिए कि की। ग्रुप के किसी ग्रुप के किसी अवयव एक ही अवयव वाह भाई मौज कर दी अवयव एक ही पूर्णांक की कोटि पूर्णांक घात की कोटि एक ही कोटी से एक ही टी से अधिक नहीं हो सकती अधिक नहीं हो सकती है पहली बात तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और समझने में टाइम लगेगी कहना क्या चाहता है ये प्रूव दैट the order of prove that the order of any integral any integral power of m power of an element element of a group of a group can never can never exceed कैन नेवर एक्सीड दी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट आराम से पढ़ो थ्योरम को देखो पूरी थ्योरम को मैंने आपके सामने पेश कर दिया है जैसी आपकी इच्छा थी कि हम अब एक एक सवाल को लिखें पढ़ें, देखें हालांकि बहुत अच्छा तरीका है कोई दिक्कत नहीं है अब देखो सवाल को एक बार पढ़ो आराम आराम से कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर दो बाकी मुझे लगता नहीं कोई समस्या तो है समस्या होनी तो नहीं चाहिए खडियर के बच्चे पढ़ने तो लग गए अब हालांकि मैं चाहता तो आपको अब जैसे दो चार बच्चे हैं जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना है ऐसी बात नहीं है कई बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं माना लेकिन कोई बात नहीं एस पी शर्मा कह रहे हैं कि सर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिन्होंने ऐसे पढ़ाने के लिए बोला हम्म कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया मस्त रहो यार गुस्से उससे की बात मत करो देखो क्या लाए अपने अपने साथ और क्या लेके जाएंगे क्या फर्क पड़ता है छोड़ो ठीक है जैसा भी है मस्त रहो मस्त पढ़ो आराम से ईमानदारी की बात है मैं इतना फ्लो में था कि मैं अब तक तो आपकी ये ग्रुप ग्रुप का था ना ये चैप्टर ये ग्रुप का तो ख़त्म कर देता और फिर उसके बाद में अपना साइकिल ग्रुप और फिर अपना इसी के अंदर एक और परमिटेशन ग्रुप वो करवा देता मैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब ग्रुप ही करवाऊँगा मैं परमिटेशन ग्रुप और साइकिल ग्रुप स्किप छोड़ देंगे आठ नंबर का मैटर आएगा ग्रुप से आ जाएगा बाकी दो क्यों करवाना फालतू क्यों मेहनत करेंगे नहीं करेंगे ठीक है चलो अब यहाँ पे थोड़ा हम आगे चलते हैं आगे चलें अब मेरी बात को सुनो पहले तो ठीक है सोचना समझना कि थ्योरम कह क्या रही है हमने बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा इसको आराम आराम से देखो सिद्ध कीजिए कि की ग्रुप के किसी अवयव एक ही पूर्णाघात तो यानी कि मैंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि की ग्रुप के यानी कि किसी ग्रुप की बात हो रही है तो हमने कहा कि मेरे पास में एक जी ग्रुप है ठीक है ग्रुप के किसी अवयव ए की घात तो मैंने कहा कि मेरे पास में जी एक हमारे पास ग्रुप था और इस ग्रुप के लिए एक मेरे पास में एक एलिमेंट ए और उस एलिमेंट की घात इंटीग्रल पावर है के एक ही घात की कोटि एक ही कोटि से अधिक नहीं हो सकती है तो यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं चलो इसको साइड में कर देते हैं मिटाते हैं वापस। ठीक है पूरा ढंग से ही समझा देंगे एक साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल आराम से सुनेंगे समझेंगे प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप कैन नेवर एक्सीड अब यहां पे कंफ्यूजन तो ये हो रहा है कि भाई कहना क्या चाहती है थी किसकी पावर को एक्सीड ना करे किसकी पावर की बात हो रही है किसकी नहीं हो रही है क्या कंडीशन है कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा आपके ठीक है भाई एक बार पढ़ने से तो यही होगा पहली बार पढ़ोगे तो यही होगा दूसरी बार थ्योरम को पढ़ो तीसरी बार पढ़ो चौथी बार पढ़ो अब आप खुद पढ़ो एक बार मेरे साथ साथ पढ़ो एक बार जैसे एक बार हमने पढ़ लिया अब दोबारा पढ़ो सिद्ध कीजिए कि किसी किसी ग्रुप के अवयव घात मतलब आपके दिमाग में इमेज तो बन रही है कि गुरु जी कोई ग्रुप है इस ग्रुप का कोई एलिमेंट ए है और उस ए की पूर्णांक घात उसकी कुछ पावर है और उस घात की कोटि उस पावर की कोटि एक ही कोटी से अधिक नहीं हो सकती है मतलब कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की पावर हमने ले ली कि वन टू थ्री फोर कुछ भी ले ली तो जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो उसकी पावर है ना पावर वो पावर कभी भी उस एलिमेंट की कोटी से ज्यादा नहीं हो सकती है ये हमें प्रूव करना है नहीं आया समझ में मुझे पता है किसी को भी नहीं आया अभी तो थोड़ा पेशेंस रखो अभी आएगा समझ में बहुत कुछ आएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट हमने कहा कि भैया कोई हमारे पास में एक एलिमेंट है और उसकी इंटीग्रल पावर यानी कि उसकी पूर्णांक घाते एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नेवर एक्सीड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ठीक है दो बार मैंने पढ़ दिया है कम से कम दो बार आप पढ़ो पढ़ने का तरीका जो आपको पसंद है वो तरीका मैं अपना रहा हूं देखो आराम से पढ़ो इसको दो बार पढ़ो दो बार मैंने पढ़ दिया तीन बार आप पढ़ो और देखो कि थुरम कहना क्या चाहती है फिर मैं समझाऊंगा आपको और इसका आंसर करवाते हैं पढ़ाओ पढ़ो आराम से किसी कोई डाउट आउट है तो मुझे कमेंट करो फटाफट भड़ से मैं देख रहा हूँ आप आराम से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है पहले से राइटिंग सही होगी मेरी यार ठीक ठाक है राइटिंग काम चलाओ और ये वीडियो क्वालिटी भी पहले सही हो गई ऐसी बात नहीं है देख रहा हूँ मैं वीडियो क्वालिटी पहले सही हो गई कर रहा था मैं पढ़ लिया कमेंट अमेंट एस पी शर्मा कह रहे हैं कि सर पक रहे हैं सर मोहित कह रहे हैं सर नौ पचपन पे ऑफ कर देना क्लास अच्छा मोहित ने टाइम टेबल बना रखा है मेरे हिसाब से ना कि भैया नौ बज के पचपन मिनट पे क्लास उप दस बजे सो जाओ मुझे लगता है ऐसा ही कुछ टाइम टेबल मोहित ने बना रखा होगा कि गुरु जी दस बजे सोना है और सुबह पाँच या छः बजे उठना है ठीक है ऐस पी सर कह रहे हैं सर टेंशन बढ़ा रहे हैं टेंशन कैसी बढ़ रही है भैया क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि टेंशन बढ़ रही है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहां ये थ्योरम आपने पढ़ी ठीक है भाई मैंने बोला था तीन चार बार और पढ़ लो अब आपने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं है ठीक है अब मेरी बात सुनना ये थ्योरम जो आपसे प्रूफ करवा रही है ना प्रूफ वो ये कह रही है कि मेरे पास में एक एलिमेंट है उस एलिमेंट की पावर है घात मैंने माना के और इसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए के जो होगा वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है किससे ऑर्डर ऑफ ए से बस यही तो प्रूफ करवाने की कोशिश कर रहा था आपसे वो मतलब ऑर्डर ऑफ ए के जो है वो बड़ा हो सकता है किससे सॉरी बड़ा नहीं बराबर हो सकता है किसके ऑर्डर ऑफ ए के लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता ऐसे मुझे प्रूफ करना है ठीक है तो हमने क्या करा भैया देखो सुनो भाई मैं तो ये जानता हूं वी नो दैट हम तो यही जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन मैं तो यही जानता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर दूँ तो मैं तो ये जानता हूँ कि ए की पावर एन बराबर ए e. बस इतना जानता हूँ मैं तो अब मैंने क्या करा थोड़ा दिमाग लगाया कि दिमाग तो मेरे में पहले ही है मैंने दिमाग लगाया कि मैं दोनों तरफ अगर पावर के कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या देखते हैं क्या होता है इस एन को मैं बाहर लेके के को अंदर लेके आ गया क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको एक प्रॉपर्टी कि मैं पावर को आगे पीछे कर सकता हूं तो मैंने ए की पावर की मैंने के और इसकी पावर कर दी एन इज इक्वल टू और ई e की पावर के करो एम करो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा मेरे पास तो ई e आएगा अब आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है भैया मैं तो कुछ नहीं है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता भाई अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के आया हूं कि ए की पावर अगर एन होगा बराबर में अगर ई e आ जाता है तो हम तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर में एन होता है तो देख लो आप यहाँ पे ध्यान से कि मैं इस ए के की पावर जो है वो कितनी है एन मेरे पास में है और बराबर में ई e आ रहा है तो मैं तो भैया इसी डेफिनेशन का यूज करूँगा और मैं यहाँ पे चुपचाप लिख दूंगा कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर में एन मैं तो यही लिख दूंगा ठीक है लेकिन लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नोट लिखवाया था आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या कहा था कि पहला और दूसरा जो नोट है उसको समझ लो समझा था ना मैंने आपको एक नोट मैंने क्या कहा था कि अगर ए की पावर एन जो है वो बराबर किसके है e के. तो ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास में इक्वल टू तो है लेकिन क्या होगी लेस देन एन होगी ठीक है और एक काम करो भैया ये जो एन मेरे पास में है ये किसके बराबर है ऑर्डर ऑफ ए के अरे से तो लेके चले हो बराबर आप हाँ तो यहां पे चिपका दो तो यहां पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर के जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके ऑर्डर ऑफ ए के यही तो प्रूफ करना था अरे यही तो मेरा आंसर है कोई दिक्कत किसी को भाई देखो आराम से मैं क्या कह रहा हूँ थ्योरम जो है ना इस थ्योरम को जब आप पहली बार पढ़ोगे तो पढ़ते टाइम तो मुझे लगता नहीं कि किसी को समझ में थ्योरम आएगी ये कहना क्या चाहती है यार पता नहीं किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है उसकी पूर्णांक घात है घात से बड़ा नहीं होगा छोटा नहीं होगा क्या कहना चाहती थ्योरम लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल पेशेंस के साथ में देखो कि कोई भी ग्रुप है उसका एलिमेंट ए उसकी पूर्णांक घात की ओटी उसका ऑर्डर कभी भी इस एलिमेंट ए के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता बराबर हो सकता है तो बस इसको कैसे प्रूफ किया है मैंने वो आप देख सकते हो एक्सीलेंट तरीके से प्रूफ किया है चार लाइन का प्रूफ है लेकिन एग्जाम में कैसे करके आना है आप जानते हो यू नो दैट वेरी वेल नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेज के अंदर तो भैया एग्जाम में उसी तरीके से करके आना है जैसे नोट्स में लिखा हुआ ठीक है कमेंट अमेंट कर दो बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा मैं ठीक है आपके मन में हो कुछ डाउट तो पूछ लो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी आपके मन में हो मुझे अगर आएगा तुरंत बता दूंगा नहीं आएगा तो कल बता देंगे अपना तो यही रूल है लेकिन बताएंगे जरूर आपको फटाफट से कमेंट कर दो किसी को कोई डाउट है कोई परेशानी मन में चल रही है समस्या चल रही है मोहित मॉर्निंग में पांच बजे उठता हूँ सर जी वही तो कह रहा हूं मैं मैं समझ गया, गया आपकी चाल कि छह घंटे की नींद तो मिनिमम चाहिए होती है तो छह साढ़े छह सात घंटे की नींद बहुत होती है एक स्टूडेंट के लिए इतना काफ़ी होता है सोना ठीक है छह सात घंटे बहुत होता है हालांकि आपको पता है मैं भी खैर छः घंटे सोता हूँ यार उससे ज्यादा मैं भी नहीं सोता हूँ कोई भी डाउट नहीं है ना तो बढ़िया भैया इस तरीके से मैं पढाऊँ आराम आराम से कोई दिक्कत नहीं है ना और फिर बाकी मैं देखो आपसे बात है मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ अभी बोल रहा हूँ ठीक है मैं भैया टॉपिक स्किप करूंगा मतलब जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स में आपको दोनों पार्ट पढ़ाए थे ना दोनों पार्ट पढ़ाए थे मैंने तो लेकिन अब इस यूनिट में टॉपिक स्किप होंगे अगर इस तरीके से पढ़ाएंगे तो ठीक है नहीं भाई बिल्कुल मेरे को पसंद है पढ़ाना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या है कि मेरे को लगता है बोरिंग जब मैं भाई जैसे कि थ्योरम है अब थ्योरम को स्टेटमेंट को लिखो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो ठीक है तो फिर क्या है कि मामला बैठता नहीं है यार और मेरे को पसंद है कि मैं सीधा लॉजिक पे आऊं लॉजिक के ऊपर मैं चाहे आधा घंटा एक घंटा बर्बाद कर दूंगा लेकिन मैं फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करता हूँ ना मेरे को अच्छा नहीं लगता ठीक है लेकिन आपको अगर पसंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई तो आपने पैसे दिए हैं इस चीज़ के लिए आप जैसा कहोगे वैसा कराएंगे और जितने आपने पैसे दिए उतना कराएंगे ठीक है हाँ भाई मॉर्निंग में क्लास होगी बिल्कुल मॉर्निंग में क्लास होगी फिजिक्स वाले सर की अरेंजमेंट हो गई है वो आपकी यूनिट नंबर फोर्थ जो है उसके लेक्चर शूट कर रहे हैं क्वांटम के अंदर तो मैं आपको एक काम करता हूँ भैया सुनो मेरी बात अब मॉर्निंग में जो क्लास होगी क्वांटम की होगी और एक दो दिन क्वांटम की लगाते हैं क्लास तो क्वांटम में थर्ड यूनिट पूरी करवा दूँ मैं फिर मेरा काम ख़त्म फिर यूनिट नंबर फोर्थ से जो है आपको नए सर पढ़ाएंगे फिजिक्स के अंदर और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस जैसे ही क्वांटम में फोर्थ यूनिट पूरी हो जाती है ठीक है उसके बाद में फिर वो न्यूक्लियर में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे क्लियर कोई दिक्कत नहीं है दिशांत कह रहे हैं कि चालीस मार्क्स का मिल जाना चाहिए चालीस मार्क्स का मिलेगा आपको ठीक है भाई मैं आपको पता है फिफ्टी परसेंट जो सिलेबस मैं करवाऊंगा ना उस हिसाब से चालीस मार्क्स का आपको मिलेगा पेपर के अंदर आउट ऑफ चालीस ठीक है लेकिन सुनो मेरी बात, को सुनो, अगर तो आठ नंबर के सवाल तो आएंगे जो थ्योरम्स मैंने करवाई और जो मैंने, मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसकी गारंटी तो मैं लेके बैठा हूं ठीक है लेकिन अगर मिक्सिंग हो गई उसके जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि मिक्सिंग अगर हो जाती है ना तो फिर चार नंबर का अटैम्प कर पाओगे आप मैंने कितनी बार समझा दिया आपको कि नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प नहीं कर पाओगे ठीक है चलो भैया ठीक है चलो भैया आपकी मर्जी होगी वैसा पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है आप तो बता देना जब आपकी इच्छा हो वैसा पढ़ा देंगे बाकी अभी आज पढ़ाया कोई दिक्कत मैं क्या कह रहा हूँ पढ़ाने में समझाने के मामले में आप जैसा कहोगे वैसा पढ़ा देंगे आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर देंगे कोई भी थ्योरम हो कोई भी स्टेटमेंट हो अगर वो समझ में नहीं आ रहा हो ना ये मान के चलो कि मेरे को तो सबसे बढ़िया लगती है एल्जेबरा कॉम्प्लेक्स हो गई रियल हो गई ठीक है और डिस्क मैथमेटिक्स होगी फर्स्ट ईयर के अंदर जो तो पेपर होते हैं ना कि थोड़ा एल्जब्रिक फॉर्म हो गया थ्योरम टाइप हो गया वो वो मेरे को थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अभी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे डायनेमिक्स पढ़ेंगे डायनेमिक्स में और भी शानदार मज़ा आएगा शानदार एकदम एक, एक नंबर चलो ठीक है हाँ भाई फिजिक्स में हाँ भाई मॉर्निंग में क्लास होगी क्वांटम की और नए सर पढ़ाएंगे आपको कब से अब कल से परसों से उनकी क्लासेज आपको मिलना चालू हो जाएंगी उसके लिए डोंट वरी रहना आप क्लासेज एक नंबर क्वालिटी में रहेंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है कंटेंट भी शानदा रहेगा नोट्स वोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बेस्ट से बेस्ट अकॉर्डिंग टू तो प्राइस भी देखो प्राइस को ध्यान में रखो आपने पाँच सौ हज़ार रुपये दिए ना उसके हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना वो प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको बेस्ट से बेस्ट ठीक है चलो भैया आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय धन्यवाद जय हिंद जय भारत एस पी शर्मा कह रहे हैं सर पीपीटी से पढ़ाओ इतना भाव मत खाओ अरे भाव खाने की बात खाएं भाव खाने की बात नहीं यार बच्चे कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा